भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से आयुष्मान पखवाड़ा 1 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया का सहारा लिया है ताकि जो लाभार्थी सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित हैं, उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। इसके लिए अम्बाला सिविल सर्जन कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी लाभार्थी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सके वो 15 तारीख तक अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा लें। उन्होंने कहा कि अम्बाला में 3,13,000 अभ्यर्थी हैं, जिनमें से केवल 1,14,000 लोगों ने ही अपने कार्ड बनवाए हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड पर एक परिवार को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री है। वो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर वाला चार्ज लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आयुष्मान पखवाड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। अम्बाला में लगभग 3,13,000 लाभार्थी हैं, उनमें से अभी तक सिर्फ 1,14,000 ने अपने कार्ड आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। और आपको पता है आयुष्मान स्कीम के तहत एक परिवार को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस फ्री है, जो कि अम्बाला में 27 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 7 सरकारी अस्पताल हैं, उनमें इलाज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो इलाज करवाया जाएगा उसके रेट पहले से, उसके 5,00,000 के 5,00,000 एकदम नहीं होंगे, जो इलाज करवाया जाएगा उसका पहले से रेट निर्धारित है और उसके तहत उस अस्पताल को उसका इलाज करना होगा। और उसको इलाज के बाद की दवाइयाँ और घर पे छोड़ के आने की जिम्मेवारी जो इम्पैनल 27 अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं उनकी जिम्मेवारी है। तो मेरी अपील है 1 से 15 तक जो पखवाड़ा है उसमें सारे के सारे लाभार्थी अपने कार्ड बनवाएं। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।